अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हुंड्स रूल के हमारे पास हुंड्स रूल क्या होता है बेटा। सो हम सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में ये एक्सप्लेन करेंगे कि हुंड्स रूल्स को किसने प्रपोज किया और कब प्रपोज किया। इस हेडिंग में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसको हम हुंड्स रूल क्यों कहते हैं बेटा। सो हिस्ट्री ये है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था नाउन इज द फ्रेडरिक हुंड्स। 1925 में इन्होंने इसी रूल्स को प्रपोज किया जिसकी वजह से हम इसको हुंड्स रूल कहते हैं। यानी ये हुंड्स इसके नेम के बेस पे है। यानी हमारे पास एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक हुंड्स, 1925 में इन्होंने इसी रूल को प्रपोज किया जिसकी वजह से हम इसको हुंड्स रूल कहते हैं। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसको हम हुंड्स रूल क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज नोन एज द हुंड्स रूल, सो योर आंसर मस्ट बी कि इट इज प्रपोज बाय अ साइंटिस्ट नोन एज द फ्रेडरिक हुंड्स। सो इन्होंने अपना नाम इस पे रख दिया बेटा। अब इसको हम सिर्फ हुंड्स रूल नहीं कहते बेटा, इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या इसको हम हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम कम्प्लेक्सिटी, सॉरी मल्टीप्लिसिटी भी हम इसको कह सकते हैं। सो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मुझे हुंड्स रूल्स के बारे में बताए, या कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मुझे हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताए, सो मतलब एक ही होगा, यही एक चीज है, इसके दो नेम है हमारे पास। हम इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इस रूल्स का स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन क्या है, कि ये रूल हमें क्या बताता है बेटा। सो ये रूल हमें बताता है कि विन इलेक्ट्रॉन फिल अ डीजेनरेट ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल को फिल करता है। अब यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास वो ऑर्बिटल होते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है। यानी ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी या अप्रोक्सीमेटली जिसकी एनर्जी सेम होती है, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास तीन ऑर्बिटल है, ये एक, ये दो, ये हमारे पास तीसरा। अब लेट सपोज इस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है इसकी, और इस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है इसकी, तो इन तीनों ऑर्बिटल की लेट सपोज हमारे पास एनर्जी सेम है, सो इसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। यानी इसकी जितनी एनर्जी है उतना ही एनर्जी इस ऑर्बिटल का भी है और उतना एनर्जी इस ऑर्बिटल का भी है, तो इसको मैं डीजेनरेट ऑर्बिटल कह सकता हूँ क्योंकि इसकी एनर्जी हमारे पास सेम है। अब ये हमें बताता है कि जब ये लेट सपोज हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एक और ये हमारे पास ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल पी का अगर हम देख लें तो ये हमारे पास ऑर्बिटल है। जब ये ऑर्बिटल, जब सॉरी इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल को फिल करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये सिंगल सिंगल फिल करेगा इसी तरह। सबसे पहले ये वन बाय वन फिल करेगा इसको, इसके बाद ये हमारे पास पेयरिंग बनाएगा इसी तरह, ठीक है ना बेटा। सो हमारे पास ये क्या कहता है कि विन इलेक्ट्रॉन फिल द डीजेनरेट ऑर्बिटल, जब ये इलेक्ट्रॉन इसी डीजेनरेट ऑर्बिटल को फिल करेगा, भरेगा, सो क्या करेगा, ये हमारे पास सबसे पहले वन बाय वन विद द सेम स्पिन, स्पिन इसका सेम होगा। स्पिन से क्या मतलब है बेटा, गौर से देखिए, स्पिन से मुराद ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है सो ये इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में होगा, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में होगा। ये नहीं हो सकता कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो, दूसरा इसमें हो, दूसरा इस डायरेक्शन में हो, नहीं, ये गलत है। ये हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वन बाय वन पुट करेगा यहां पर अपने आप को, लेकिन शर्त यह है कि इसकी स्पिन मस्ट होगी, या इसी तरह, या इस तरह भी हो सकता है बेटा, ये तो अपवर्ड है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड
पोजीशन है। सो अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डाउनवर्ड, तो ये सारे इस तरह होंगे। यानी मतलब ये है कि हमारे पास इसका स्पिन सेम होगा। अगर अपवर्ड है तो सारे अपवर्ड होंगे, अगर डाउनवर्ड है तो सारे डाउनवर्ड होंगे बेटा। सो क्या कहता है ये रूल कि ये हमारे पास सबसे पहले वन बाय वन विद द सेम स्पिन, आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। यानी जब ये हमारे पास सबसे पहले एक एक को अपने आप को भरेगा, उसके बाद ही हमारे पास पेयर बनाएगा। किस तरह? लेट सपोज हमारे पास ये किस तरह पेयर बनाएगा। अब इन्होंने तो अपने आप को सिंगल 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 अरेंज किया, इसके बाद जब ये पेयर बनाएगा तो इस तरह बनाएगा बेटा, इस तरह बनाएगा। यानी मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास ऑर्बिटल है ये, और इसमें हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेगा बेटा, अपने आप को सिंगल सिंगल अरेंज करेगा। एक ही इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, इसी तरह एक एक आएगा। उसके बाद ये पेयर बनाएगा, यानी अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर आएगा, तीसरा है तो वो यहाँ पर आएगा, चौथा है तो वो यहाँ पर आएगा। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वन बाय वन अपने आप को पुट करेगा ऑर्बिटल के अंदर, उसके बाद ये पेयर बनाएगा। सो ये इस रूल का स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है बेटा। अब हमारे पास चार किस्म के ऑर्बिटल है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया, मैं अगर आपने वही वीडियो नहीं देखा है तो इस पर फोकस दे, मैं उसी वीडियो को थोड़ा समराइज करता हूँ कि हमारे पास बेटा चार ऑर्बिटल है। एक हमारे पास है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ये हमारे पास चार ऑर्बिटल है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल मौजूद है। ये देखें, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल मौजूद है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। इसकी स्पिन अपोजिट होगी। ये देखें, एक इस तरफ, एक का डायरेक्शन इस तरफ है, सो दूसरे का डायरेक्शन इस तरह है। ये हमारे पास इसकी स्पिन अपोजिट होगी। सो इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने इसके सामने लिख दिया है 12, क्योंकि ये 12 हमारे टू सॉरी ये 2 हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। और हमारे पास इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, एक ऑर्बिटल है, दो इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रा किया, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रा किया, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है। यानी ये ऑर्बिटल है और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम पी ऑर्बिटल को देखें तो इसमें हमारे पास तीन ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा। अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, दो इसमें मौजूद है, दो इसमें मौजूद है, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब अगर हम डी ऑर्बिटल को देखें तो इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल मौजूद है, 1 2 3 4 5, हर एक में दो दो मौजूद है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम एफ ऑर्बिटल को देखें तो हमारे पास इसमें 7 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, हर एक में हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे विद अपोजिट स्पिन, इसकी स्पिन अपोजिट होगी। सो दो इसमें, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो इसमें और दो इस लास्ट में, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आपके लिए डिफिकल्ट हो, इसके बाद वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको एक सिंपलेस्ट ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक जिससे हमारे पास 8th क्लास के जो स्टूडेंट है वो भी इसको आसानी से हल कर सके कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह करना है बेटा। सो इसके बाद इंशाल्लाह मैं वही वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ट्रिक के बारे में कि हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे बेटा। सो हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 1 है। सो हमारे पास 1s2 है, लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास एक्चुअली हमारे पास क्या है बेटा, 1s2 है, लेकिन ये इस 2 का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास, ये जो ऊपर हमारे पास वीडियो आ गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगी और ये हमारे पास ऑर्बिटल होगी। यहाँ पर एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल होंगी। सो अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 1s2 है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर 2 नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा। क्यों 1 लिखूंगा,
क्योंकि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, वन है, सो मैं लिखूंगा 1s1। अब मैंने आपको एस के ऑर्बिटल के बारे में बताया था कि ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है। अब ये जो मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पर ड्रा किया है, ये हमारे पास ऑर्बिटल है, और इस मार्कर से मैंने जो ड्रा किया है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। सो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है इसका, अब इस ये एस का हमारे पास ऑर्बिटल इस तरह आएगा, ये एक ऑर्बिटल है इसमें, और चूंकि इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये आएगा, या इस इलेक्ट्रॉन को हम इस पोजिशन में भी लिख सकते हैं बेटा, इस पोजिशन में भी लिख सकते हैं, इस पोजीशन में भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है बेटा। सो यहाँ पर 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद हम देखते हैं हीलियम के बारे में कि हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर आएगा 1s2, इसका ऑर्बिटल इस तरह होगा और इलेक्ट्रॉन इसमें 2 मौजूद है, तो इस इलेक्ट्रॉन का पोजिशन अब यहाँ पर इस तरह होगा चूंकि इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है बेटा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, सो हम सबसे पहले लिखेंगे 1s2, और फिर इसके बाद तो हमारे पास वो 2s2 आता है, चूंकि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, सो अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, सो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो हमारे पास तो 4 आएगा, लेकिन नहीं, इसका हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, सो मैं इसके मुताबिक चलूंगा, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, सो 2+1=3, इससे हमारे पास 3 आएगा। सो ये एक इसका ऑर्बिटल इस तरह आएगा, दूसरे इसका ऑर्बिटल इस तरह आएगा। सो अब इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन, या इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस पोजीशन में भी लिख सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास है बी, यानी बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 आएगा, सो अब इसका हमारे पास ऑर्बिटल इस तरह बनेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है बेटा, यहाँ पर थोड़ा फोकस दे कि हमारे पास बोरान, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 आता है, लेकिन चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, अगर मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया तो ये तो हमारे पास 2 ये 2 ये, और मैंने अगर यहाँ पर 6 लिख दिया तो ये तो हमारे पास 10 बनेगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है, तो मैं उस 6 को नहीं लिखूंगा, मैं 1 को लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये मैं इसके मुताबिक लिखूंगा। सो 2 ये इलेक्ट्रॉन 2 ये इलेक्ट्रॉन और 1 ये हमारे पास हुआ, तो टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हुए। अब अगर हम इस का शेप देके इस एस ऑर्बिटल का, तो वो तो ये है, इसी तरह आएगा बेटा, इस एस ऑर्बिटल का शेप भी इस तरह ये है। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि पी ऑर्बिटल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है बीच पी सबशेल में, सो अब ये हमारे पास पी है, इसमें हमारे पास ये 1 2 3, अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को किस तरह पुट करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर 1 है, सो अब ये इलेक्ट्रॉन में इस पहले ऑर्बिट में लिखूंगा ऑर्बिटल में। अब इसके बाद जो हमारे पास है, लेट्स सपोज 6 का भी आप कर ले, मैं यहाँ पर वो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर मैं 7 का कर दूं, यानी नाइट्रोजन का कर दूं बेटा, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 आएगा। सो ये तो वही तरह ऑर्बिटल है बेटा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास पी में कितने ऑर्बिटल मौजूद है, 3 ऑर्बिटल मौजूद है, 1 2 3 3 ऑर्बिटल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है। सो अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन को किस तरह पुट करूंगा, मैं सबसे पहले सिंगल सिंगल को पुट करूंगा इस रूल के मुताबिक। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक ही, स्पिन इसका सेम है, देखिए ये तीनों हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन है, या इसको मैं डाउनवर्ड भी कर सकता हूँ इस तरह, ये दोनों हमारे पास ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसको इसी तरह नहीं लिख सकता। क्यों मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता, क्योंकि इस रूल ने तो एक्सप्लेन किया था कि ये सबसे पहले एक 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 होके ऑर्बिटल को भरेगा, लेकिन यहाँ पर तो इसमें एक भी नहीं, और यहाँ पर तो इन्होंने पेयर बनाया, पेयर तो ये उस वक्त बनाएगा जब ये एक एक होके अपने आप को पुट करेगा बेटा, उसके बाद ये पेयर बनाए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं, इस इन्होंने तो पहले ही से पेयर बना दिया। सो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, गलत होगा, ये भी हमारे पास गलत होगा। क्यों गलत होगा, यहाँ पर तो इन्होंने ठीक है अपने आप को सिंगल सिंगल अरेंज किया, लेकिन इसका स्पिन अगर देखे तो सेम नहीं, ये अगर आप देखे तो इसका स्पिन अपवर्ड है,
इसका डाउनवर्ड है और इसका अपवर्ड है. सो हमारे पास इसका स्पिन डिफरेंट है, तो अब ये हमारे पास डिफरेंट आएगा. इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 आएगा. ये दो ऑर्बिटल, तो इसके मुताबिक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि इसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल है दो इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल है दो इलेक्ट्रॉन. यहां पर अगर आप देखें तो अब मैं इस तीन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को किस तरह पुट करूंगा. गौर से देखें, हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन है. सो इस रूल्स के मुताबिक मैं सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को पुट करूंगा विद द सेम स्पिन. इसका स्पिन सेम होगा. सो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन. या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन. स्पिन सेम ही है बेटा. सो अगर हम देखें बेटा, सो अब यहां पर तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां पर 3 लिख दिया. अब इसके बाद ये पेयर बनाएगा. इन्होंने एक एक होके अपने आप को अरेंज किया, इसके बाद ये पेयर बनाएगा. सो अब ये हमारे पास इस तरह आएगा बेटा, इस तरह. इसका स्पिन अपोजिट है. या हमारे पास बेटा ये इस तरह आएगा. सो आई थिंक अब आपका कंसेप्ट इसके मुताबिक क्लियर होगा. एक इंपॉर्टेंट चीज और है बेटा, अगर आप देखें तो मैं यहां पर लिखूंगा कि हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बेटा. सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास ये है बेटा कि अगर लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस तरह अपवर्ड है, तो ये हमारे पास लेट सपोज अगर ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा और उसकी पोजीशन इस तरह डाउनवर्ड होगी, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी. यानी एक दूसरे के ये अपोजिट होंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा. इसी तरह अगर मैं इसको अपोजिट करूं बेटा, अगर इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस पोजिशन में है बेटा, अगर ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन अगर ये हमारे पास लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, सो ये दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा, ये दूसरा हमारे पास होगा क्लॉकवाइज. मतलब ये है बेटा कि हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये एक लेट सपोज क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज बिहेवियर शो करेगा, और ये दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बिहेवियर शो करेगा बेटा. सो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा, तो फिर ये हमारे पास एंटी क्लॉक नहीं, बल्कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स.